तुम्हारे लिए इस कमरे को मैं साफ कर दूं क्या? Shall I clean the room for you? Shall I clean this 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 room for you? स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आप आएंगे क्या? Will you come to take me? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? Will you come to take me at the station? वह यह करेगा क्या? Will he do this? 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 तुम यहाँ आओगे क्या? Will you come here? 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 अभी आपको ये वीडियो पॉज करना है और इन चारों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। आपकी कोशिश आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्डिंग फिर से आपको सुननी है, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है ढूंढ निकालने, उन्हें कम करते हुए फिर से कोशिश करनी है, फिर से रिकॉर्ड करना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से रिकॉर्ड करना है। इस तरह से 7-8 बार कोशिश करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैं सारे सेंटेंस अंग्रेजी में अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, तो फिर से वीडियो प्ले करना है और अगला पार्ट देखना है। देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ। शुड आई क्लीन द रूम फॉर यू? Will you come to take me at the station? Will he do this? Will you come here? इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। देखिए इसके निचले हिस्से पर अभी तीन सेंटेंसेस इस पन्ने पर, उन्हें भी हम अंग्रेजी में करते हैं। देखिए स्टेशन से तुम सीधा यहाँ आ रहे हो क्या? स्टेशन से तुम सीधा यहाँ आ रहे हो क्या? देखिए are you coming here straight from the station? 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 आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या? Are you working in the same company? 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 तुम सच कह रहे हो क्या? Are you telling the truth? 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 देखिए अभी ये वीडियो पॉज कीजिए और आपकी कोशिश जारी रखिए। आपकी कोशिश होने के बाद फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए। देखिए इसके निचले हिस्से पर ये सभी सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी में दिए हुए हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी की सहायता लेनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। शैल आई क्लीन दिस रूम फॉर यू? विल यू कम टू टेक मी एट द स्टेशन? विल ही डू दिस? विल यू कम हियर? आर यू कमिंग हियर स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेशन? आर यू वर्किंग इन द सेम कंपनी? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। और हमारी जो किताब है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें भी जानकारी दें कि वो भी हमारा वीडियोज़ देखते रहे, वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।